दुबागा को सुनना चाहता है। सबसे पहले शांति शांति शांति, आराम से सुनो बुबागरा क्या बोल रहे हैं। सब लोग सबसे पहले ऋषिकेतु बोल रहे थे, आप सबसे पहले त्रिपुरा मोथक में ज्वाइन किया था एमएलए बनके, वो टाइम आप आईपीएफटी का एमएलए था, आज आप 100% त्रिपुरा मोथा का एमएलए है। आपने जो बलिदान किया है, सैक्रिफाइस किया है, उसका इनाम है कि लास्ट टाइम से इस टाइम आप 7 टाइम ज्यादा वोट लेकर यहां सिमना से जीता है, ये सबका आशीर्वाद और प्यार है। रविंद्र बाबू आपने बहुत काम किया, हमारा प्रीति लता आपने बहुत काम किया, शिवांजलि आपने बहुत काम किया, हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट कहाँ है आप लोग जहां भी है, वाईटीएफ प्रेसिडेंट आपने बहुत काम किया, रुनेल वाईटीएफ मोहनपुर सामने है लेकिन आपने बहुत काम किया, आप सबने इस बार थोड़ा शांति से सुनो बुबागरा क्या बोल रहा है। मीडिया आप भी बैठ जाओ। आप सबने इस बार एक मैसेज अगरतला को भेजा है कि आंचलिक पार्टी बिना प्री पोल इलेक्शन के पहले अलायंस करके भी अपना खुद का पैसा से, अपना खुद का दम से फाइट करके असेंबली में सबसे दूसरा बड़ा पार्टी बन सकता है त्रिपुरा में, ये आपने किया है। सब लोग बोलता था होवे ना अलायंस कर तो होवे, हमने इलेक्शन के पहले किसी का संग अलायंस नहीं किया, लेकिन आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका खानसा से हम लोग यहां पहुंचा। और मैं सिमना को एक बात बोलना चाहता हूं, कल हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कल देश का होम मिनिस्टर आ रहा है, अमित शाह आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा आ रहा है। सब बैठो, क्यों जागता, अपना ही त्रिपुरा सा है, बैठो। कल सुनो, कल मीडिया भी यहां में है, मैं मीडिया के थ्रू सिमना से बोलना चाहता हूं, कल देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहा है, कल गृह मंत्री जी अमित शाह आ रहे हैं, आसाम का सीएम नेडा कन्वेनर हेमंत बिश्व शर्मा आ रहा है। मैं सिमना से एक मैसेज भेजना चाहता हूं, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग हानि भुसा है, भूमि पुत्र है, हम अपना अधिकार चाहते हैं। ये इलेक्शन हमने किसी के खिलाफ नहीं लड़ा, अपना अधिकार के लिए लड़ा। और
और मैं उनको बोलना चाहता हूं कि अगर आप हानि गुस्सा से उनका अधिकार के लिए बात करेगा तो हम लोग दिल खोल के बात करेंगे, लेकिन अगर आप त्रिपुरा में हानि गुस्सा को छोड़ के राज करना चाहता है तो सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं, लेकिन बात किसको एमएलए बनाना है, किसको मंत्री बनाना है नहीं होगा। हमको कैबिनेट के बारे बात नहीं करना है, कौन क्या मंत्री बनेगा वो बात नहीं होगा। आप हमसे अगर बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन का, हमारा 14 लाख तिपरासा के बारे बात कीजिए, मुबाकरा रेडी। लेकिन मैं वो गलती नहीं करने वाला हूं जो आईपीएफटी ने किया, बिना कुछ राइटिंग में लेके या बिना कोई अश्योरेंस लेके अगर हम मंत्री बन के बैठ गया तो ये हमारा तिपरासा के साथ धोखा होगा। ये धोखा बुबागरा नहीं करेगा, हम नहीं करेंगे। आप लोग एक बात समझ लो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं और मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। ये इलेक्शन हमने मंत्री बनने के लिए फाइट नहीं किया, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन देने के लिए बात किया। बहुत लोग आजकल मीडिया में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, पत्रकार में बोल रहा है बुबागरा बीजेपी का अंडरस्टैंडिंग था, यही लोग बुबागरा आई क्लॉकथुंग बोल रहा था जब अमित शाह ने बोला था कि तिपरा मोथा सीपीएम बीजेपी कांग्रेस एक है, बात पलट गया। यही लोग जानता नहीं है, लेकिन मैं यहां में खुला सबके सामने बोल रहा हूं, मुसलमान ने वोट किया सीपीएम को, तिपरासा ने वोट किया तिपरा मोथा को, और जो जनरल एरिया में था उसने वोट किया बीजेपी को। ठीक कक्षा का मुसलमान ने वोट किया सीपीएम को, तिपरासा ने वोट किया तिपरा मोथा को, और जो जनरल एरिया में लोग था उन्होंने वोट किया बीजेपी। तो ये जनरल एरिया का लोग, दो तीन, सब नहीं, थोड़ा लोग क्यों बोल रहे हैं कि तिपरा मोथा ने बीजेपी को जिताया। आप खुद का कम्युनिटी का लोग ने ही बीजेपी को वोट किया, हमारा बुकुमबारा में तो तिपरा मोथा को वोट किया और हम लोग जीता भी, 13 सीट जीता। आप लोग अपना एरिया से हारा, वो सामने मोहनपुर है, ठीक है, मोहनपुर में तिपरासा ने सब तिपरा मोथा को वोट किया। जनरल एरिया का लोग ने 18,000 बीजेपी को वोट किया, 19,000 बीजेपी को वोट किया, और जनरल एरिया का लोग ने कांग्रेस को 10,000 दिया। तो प्रॉब्लम कहां में है, प्रॉब्लम कहां में है? प्रॉब्लम तो जनरल एरिया में है, आपका लोग ने बीजेपी को वोट दिया, तो आप तिपरासा को देख के क्यों बोलता है कि हमने बीजेपी को मदद किया? आपका आपका कम्युनिटी में ही आपके पास सपोर्ट नहीं है, ये सच बात है। और बुबागरा का, बुकुमबारा का कम्युनिटी में सपोर्ट है, और हम किसी पार्टी का, किसी पार्टी का वोट बैंक नहीं है, हमारा खुद का अधिकार है। हम ना उनके साथ फाइट करेंगे ना इनके साथ फाइट करेंगे, हम अपना अधिकार के लिए बात कर रहे हैं।
आने वाला दिन में मैं सिमना से सबको एक बात बोलना चाहता हूं। हमने फाइट किया है पूरा त्रिपुरा में, 13 सीट जीत के आए हैं। अगर हानी भूसा के बारे अगर हानी भूसा के बारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा सा भी प्यार है ना, तो हमको बुलाओ, हम बात करेंगे। अगर हानी भूसा के बारे आपको मानना पड़ेगा, बिना पैसा का हम लोग फाइट करके 13 एमएलए निकाल के आए, एक सेंटिमेंट है हमारे दिल के अंदर। त्रिपुरा में 75 साल में जो भी राजनीति हुआ है, हमारा तिपरासा के लिए नहीं हुआ। आप हमको झंडा दिखाकर मत बुलाओ, आप हमको नाम दिखाकर मत बुलाओ, आप बताओ आप हमारा भविष्य के बारे, हमारा नेक्स्ट जनरेशन के बारे आप क्या करेगा। गुबागरा रेडी है, लेकिन लॉलीपॉप नहीं मिलेगा, लॉलीपॉप नहीं चाहिए। लॉलीपॉप देना है तो 14 लाख तिपरासा को दो, 3 आदमी 4 आदमी को मंत्री बनाने से वो नहीं होगा। पहले तिपरासा को दो, गुबागरा रेडी है। लेकिन क्या चाहिए? डायरेक्ट फंडिंग चाहिए, चाहिए कि नहीं? चाहिए। हमारा स्कूल में तो ही नहीं है, पानी चाहिए कि नहीं? हमारा घर में डायरेक्ट फंडिंग चाहिए कि नहीं? ये इसको चौक भी चाहिए। तो आप देखो कि हमको क्या चाहिए, अच्छा भविष्य चाहिए। ये राज्य किसका था? तो अगर हानी भूसा अपना अधिकार डिमांड कर रहा है तो कोई गलत चीज है क्या? ये कौन दे सकता है? प्राइम मिनिस्टर दे सकता है? तो दे दो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये राज्य में आपको हमारे बारे सोचना पड़ेगा। अगर आप हमारे बारे नहीं सोचोगे तो आने वाला दिन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारा दिल में दुख है, हमारा बुमा के दिल में दुख है, हमारा तिपरासा के दिल में दुख है। सोल्यूशन चाहिए। और मैं मीडिया से एक बात बोलना चाहता हूं, जो लोग बोलते हैं कि तिपरा मोथा ये है वो है, ना मैं लेफ्ट के साथ हूं ना मैं राइट के साथ हूं, मैं सिर्फ अपने बुकुमबारा के साथ हूं। मेरे ऊपर प्रेशर है, कॉम्प्रोमाइज करूं? आप लोग बोलो कॉम्प्रोमाइज करूं? ये फाइट कभी भी एमएलए और मंत्री का नहीं था, ये फाइट हमेशा आपका था। और गुबागरा आपको एक बात बोल रहा है, मैं अपना जाति को बेच नहीं सकता हूं। बहुत लोग बोल रहा है गुबागरा पार्टी के लिए, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, गुबागरा ने बोला था पुइला जाति उलो पार्टी गुबागरा ने बोला था। बहुत लोगों को लगता है अरे हारने के बाद भी सिर्फ 13 सीट मिला तभी भी कैसा दिखा रहा है, एक जगह में रहो। मैं आदरणीय होम मिनिस्टर, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा और
मैं आपको क्या मंत्री बनना है उसके लिए बात नहीं करूंगा, मैं ये बात करूंगा कि इनको क्या मिलेगा। अगर इनको कुछ मिला तो हम लोग रेडी हैं, अगर इनको कुछ नहीं मिला तो हम लोग फाइट करने के लिए फिर से तैयार हैं, तैयार हैं। आपने इतना नंबर से वोट किया, इतना लोगों ने वोट किया, हमारा गुमा ने वोट किया, ओ माय गुमा, सो गुमा, आपका गुमा के बारे एक बात बोले, बहुत लोग ने बुबागरा को धोखा दिया इलेक्शन में, बहुत लोग ने धोखा दिया, बहुत तिप्रासा लोग ने ही धोखा दिया, लेकिन एक गुमा ने हमको धोखा नहीं दिया, एक गुरुई ने हमको धोखा नहीं दिया। ये जो असली हमारा जो तिप्रासा का जो शक्ति मिलता है ना, ये हम लोगों का बुमा बुरुई से मिलता है। आई रियली लव यू, आप लोगों ने क्या नहीं किया हमारे लिए, आप लोगों ने यहां से, मैं भी दिल से सोचता हूं, सब लोग बोलता है बुबागरा राजनीति करता है, यहां से सोचो, मैं यहां से सोचता हूं, हाँ, लेकिन आप लोग मेरा जाति है, आप मेरा खून है, आप मेरा कम्युनिटी है, आपके लिए फाइट किया, गर्व से फाइट किया, आपने इतना जो हमको प्यार दिया ना, हमको फक्र होता, हमको गर्व लगता है, आई एम प्राउड टू बी तिप्रासा, शर्म नहीं है, आज खुलम खुला बोल सकता हूं कि प्रद्योत विक्रम माणिक्य इज प्राउड टू बी तिप्रासा, प्राउड टू बी तिप्रासा, और फाइट भी किया, और फाइट भी किया तो तिप्रासा जैसा फाइट किया, बिगड़ नहीं, झुका नहीं, और यहां से तो जीता भी हारा भी नहीं, आपका प्यार से जीता भी। आने वाला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका खानसा रहेगा तो हम लोग एक आवाज में दिल्ली से बात करेंगे, लेकिन अगर थानसा नहीं रहा, कोई मंत्री बनने के लिए भाग गया, कोई चेयरमैन बनने के लिए भाग गया, कोई ये यहां वहां भाग गया, तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। यहां तक आया है और मैं जानता हूं, मुझे आश्वासन भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको बुलाएगा बात करने के लिए, और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लेके आएगा इस बार, लेकिन हिलना नहीं है, एक जगह में रहना है, और एक जगह में रहा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। और मेरा बुमा लोग, आप लोग को मैं सलूट करता हूं, क्या सैक्रिफाइस किया, बलिदान किया, यूथ आप लोग मेरा कमर है, जब तक आप लोग हैं ना मैं खड़ा रहकर फाइट कर सकता हूं, लेकिन डिसिप्लिन रखो और एक रहो। नेता लोग आपको इधर से उधर करने का कोशिश करेगा, लेकिन पूरा इंडिया ने देख लिया है तिपरा मोथा क्या है। हम अगर अगला 2 महीना 3 महीना एक रहा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको देगा, लेकिन आपको एक रहना होगा। लीडर्स ऋषिकेश तो रविंद्र बाबू, आप लोग लीडर्स हैं, ऋषिकेश तो रविंद्र बाबू आई आप लोग लीडर हैं,
आने वाला दिन में एम भी बनेगा। लेकिन ये फाइट खत्म होने वाला है, एकदम लास्ट तक पहुंच गया, यहां तक। अगर आप लोग एक रहा ना, सबको कुछ मिलेगा, दुख माली को कुछ मिलेगा, आपका बच्चा को कुछ मिलेगा, आपका नेक्स्ट जनरेशन को कुछ मिलेगा। आप लीडर है, आपका बच्चा लोग लीडर नहीं है, आपका बच्चा लोग इनके जैसे है। अगर इनको मिल गया तो कल आपका बच्चा का भी भविष्य ठीक है। हमको आपके बारे सोचना है, अपने बारे में। सिर्फ 2 महीना रुक जाओ और कल ये भाषण के बाद, ये स्पीच के बाद मैं आपको बोल रहा हूं, होम मिनिस्टर हमको बुलाएगा 100% कल होम मिनिस्टर हम लोगों को बुलाएगा। बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? हमको गारंटी से आपको बोल सकता हूं कि मुझे कल होम मिनिस्टर बुलाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के बारे बात करने के लिए बात शुरू करेगा। मैं चाहूंगा एज अ पिपरासा मैं बाहर निकल के बात भी करूंगा एज अ पिपरासा, और हम जीतेंगे भी एज हाउस द जोश। नहीं 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 उठना पड़ेगा रे, उठ के बोलो। आप अच्छा, यहां में एक अनाउंसमेंट है। आप कैसा अनाउंसमेंट तो हो जे इलेक्शन शिकार आज सजाग तो हो चीनी सिमना कॉन्स्टिट्यूएंसी वो एक भी सिमी 50 बूथ सेंटर तो जे बूथ सेंटर जो तो निश्चित कवांग मानना है बोलो आनी पॉकेट होते 50,000 प्राइस दिले ही सजाग सिमना ब्लॉक कमिटी अमल डिसीजन खेचा कैसा नहीं है तुम चिंता तो नहीं है पुला जे फर्स्ट में ना 20,000 सेकेंड प्राइस 15,000 थर्ड प्राइस 10,000 कोई नहीं चीनी फर्स्ट प्राइस कुटना स्कूल आरो टोटल बुटर कास्टिंग का 775 टा आरो निबिसि टिप्रामन का 652 टा गुड प्रेसिडेंट आनंद जमातिया नो यंग फाइनल बगे कोई जाओ गुड प्रेसिडेंट आनंद जमातिया चेयरमैन पे गुड प्रेसिडेंट जैसा बल खरोता फैली सेकेंड प्राइज दंग कायदा कब्रा स्कूल एकेर 42 टोटल बुटर्स एगार कास्टिंग का 605 सुनती प्रसा मथमान दीप्रा मथमान का 581 टा बुथ सेकेंड प्राइज सिंपल नाइ कायदा कब्रा ने दिनी ताको अग्रम थाई नाना नंबर गई था थर्ड प्राइज एक 38 कमाकारी हाई स्कूल टोटल बुटार 642 चुन दीप्रम थामान का 615 मैंने पूरा रिकॉर्ड हरे किनी कुटना का मिनी श्री ताको चेयरमैन रविंद्र देव वर्मा कमाकारी ने चौथा हम भाई हाउस टू जोश
देखो कल अगर कल अमित शाह जी आएंगे और हम लोग ढीला ढाला हाउस तो जोश मिलेगा नहीं चलेगा, थोड़ा जोर से बोलो उनको भी सुनना चाहिए, ठीक है। हाउस तो जोश, हाउस तो जोश, हाउस तो जोश। अगर इसके बाद भी नहीं बुलाया तो प्रॉब्लम होगा, अगर बुलाया तो हम लोग कल जाकर बात करेंगे, बट मंत्री के लिए नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, क्योंकि ये पार्टी है पुइला जाति, पुइला जाति, बड़े बड़े नो हम भाई कितना माथा आई लखन कितना सा आई लखन कितना दबा आई लखन सिंह तबी मास्टर कैसे रस्ता में मिल रही जो तो पब्लिक चीनी ती प्रशारक सिग्नल ही लुक रोक मुसलमान जाए हम भाई I'm not afraid.